नेक्स्ट, ये टू नियरेस्ट हार्मोनिक ऑफ ए ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड. अब जो हम लोग का ट्यूब है वो एक एंड से क्लोज्ड है. एक एंड से क्लोज्ड का क्या मतलब होता है? क्लोज्ड आर्गन पाइप है, ये क्लोज्ड आर्गन पाइप है. यहां हमेशा नोड बनेगा, यहां हमेशा एंटी नोड बनेगा. कहता है ओपन अदर एंड, और हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी है. कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है? नियरेस्ट हार्मोनिक क्लोज्ड फ्रीक्वेंसी. जो नियरेस्ट हार्मोनिक है ये 220 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 260 हर्ट्ज. ये दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी इस ट्यूब की आपको दे दी है. व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? अब आप अगर इसके बारे में पढ़े हो, थोड़ा बहुत जानते हो, तो आपको पता होगा कि इसमें ओनली ओड हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं, इवन हार्मोनिक मिसिंग होते हैं. इसकी जो जनरल फ्रीक्वेंसी है उसको अगर मैं लिखूं तो एन एन वी अपॉन 4L के इक्वल होता है, वेयर एन इज द ओड नंबर 1, 3, 5, 7. इस तरह से ये चलता है, बराबर है. तो अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखूं एफ नॉट, तो ये आ जाएगा भी अपॉन 4L. अब मैं दूसरी फ्रीक्वेंसी लिखूं F2, तो यह आ जाएगा 3F0. तीसरी फ्रीक्वेंसी अगर मैं लिखूंगा तो वो 5F0 के आ जाएगा. ऐसे कुछ आपको पता होगा पहले से. अब देखो यहां पर यह कह रहा है कि नियरेस्ट, दो नियरेस्ट हैं, नियरेस्ट हार्मोनिक वन एंड ओपन और दो क्लोजेस्ट, मतलब जो ये दो क्लोजेस्ट हैं तो उनमें अगर मान लो ये फंडा दो क्लोजेस्ट, मैंने यही ले लिया, कोई भी ले लो भाई, दो क्लोजेस्ट है, तो 5F0 - 3F0 इनके बीच का डिफरेंस, ये दो क्लोजेस्ट है तो 260 - 220. अरे बात समझ में आ रही है यार, दो क्लोजेस्ट है, उन दोनों क्लोजेस्ट के बीच का डिफरेंस है वो 2F0 है, फंडामेंटल के इक्वल है, और ये भी दो क्लोजेस्ट है तो 260 - 220 = 40. तो ये जो 40 आ जाएगा, ये 40, तो ये आ जाएगा 2F0. तो जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 20 हर्ट्ज. दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या भी अपन 4L की वैल्यू है 20 हर्ट्स. दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. मतलब ए ऑप्शन हम लोग का सही है.